हेलो फ्रेंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों आज हम देखने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास टेन केमिस्ट्री चैप्टर वन ठीक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का केस बेस्ट क्वेश्चन देखने वाले ठीक है चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए पहला केस बेस्ट क्वेश्चन देखिएगा ठीक है ये आपका क्वेश्चन बेस्ड है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन पे ठीक है क्वेश्चन देखिएगा इन ए लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट ठीक है अ स्टूडेंट मिक्सेस कॉपर ऑक्साइड यानी कि सी यू ओ विथ हाइड्रोजन गैस एच टू अपोन हीटिंग हाइड्रोजन गैस रिड्यूसेस कॉपर ऑक्साइड टू कॉपर मेटल ठीक है एंड वाटर इज फॉर्म एज बाई प्रोडक्ट ठीक है अब इस पर बेस्ट क्वेश्चन देखिएगा व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज अकरिंग व्हेन हाइड्रोजन रिड्यूसेस कॉपर ऑक्साइड टू कॉपर मेटल एंड वाटर ठीक है पहले इसका रिएक्शन समझिए ठीक है तब तो आपको समझ में आएगा ये किस टाइप का रिएक्शन है ठीक है देखो इसमें हो क्या रहा है कॉपर ऑक्साइड को हम रिएक्शन कराएंगे एच टू के साथ में ठीक है तो ये क्या बनाएगा ये बनाएगा कॉपर प्लस एच टू ओ आपका बनेगा ठीक है ना तो आप यहाँ देख सकते हैं देखो यहाँ पर जो कॉपर है ठीक है इसका क्या हो गया है इसका हो गया है रिडक्शन ठीक है चूंकि यहाँ से ओ गैप हो गया ठीक है यहाँ आपका ओ गैप हो चुका है तो इसका हो गया हम लोग का रिडक्शन हो गया ठीक है और एच टू का हो गया हम लोग का ऑक्सीडेशन ठीक है यहाँ पर क्या होगा ओ हम लोग को ऐड हो रहा है एच टू ओ में ठीक है तो यहां पर क्या हो रहा है हम लोग का एक्चुअली में रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है ठीक है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है ठीक है तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है ठीक है ना अब इसका सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा वॉट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन ठीक है तो यहां पर देखिए ठीक है कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन क्या बनाएगा कॉपर और H2O ठीक है तो इसका आंसर होगा हम लोग का उसके बाद देखिए सेकेंड केस बेस्ड क्वेश्चन यह आपका बेस्ट होगा कंबस्टन रिएक्शन पे ठीक है देखो क्वेश्चन दिया गया है इन अ कंबस्सन रिएक्शन आ स्टूडेंट बर्न्स मेथेन गैस ठीक है सी एच फोर इन एक्सेस ऑक्सीजन ओ टू द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ठीक है आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ठीक है तो इस पर बेस्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है वॉट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द कम्बस्सन ऑफ मेथेन ठीक है ऑप्शन नंबर डी तो होगा नहीं ठीक है और ऑप्शन इसका सी भी नहीं होगा ठीक है ऑप्शन बी देखिए ठीक है इसमें आपका सी एच फोर है और ओ टू ठीक है रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा सी ओ टू और एच टू बनेगा ठीक है ये बिल्कुल सही है लेकिन ये आपका बैलेंस नहीं है ठीक है क्यों नहीं बैलेंस नहीं है यहाँ देखिए आप रिएक्टेड साइड क्या हाइड्रोजन जैसे चार है ठीक है ना नहीं यहाँ कितना है सिर्फ दो है तो ये बैलेंस तो है नहीं तो इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बच रहा है ठीक है चूँकि ये बैलेंस आपका है तो इसका आंसर क्या आएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही होगा ठीक है उसके बाद देखिए केस बेस्ट क्वेश्चन थ्री ठीक है जो कि बेस्ट है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट पर ठीक है ना क्वेश्चन देखिएगा ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ठीक है और स्टूडेंट हिट्स कैल्शियम कार्बोनेट ठीक है सी एस यू थ्री द कंपाउंड डिकम्पोजेज ठीक है इन टू कैल्शियम ऑक्साइड सी ए ओ एन ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड द स्टूडेंट कलेक्ट्स द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन अ ट्यूब एंड ऑब्जर्व्स इट टर्निंग लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ठीक है मिल्की तो ये इस पर बेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है पहला क्वेश्चन देखिएगा व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज द डी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ठीक है इसका रिएक्शन देखिए ठीक है क्या था हम लोग का ये था हम लोग का कैल्शियम कार्बोनेट ठीक है ना इसको हम क्या करेंगे हीट करेंगे ठीक है तो क्या बनाएगा ये बनाएगा सी ए ओ प्लस सी ओ टू बनाएगा ठीक है ना तो यहां पर क्या हो रहा है डी रिएक्शन हो रहा है ठीक है एक आपका सिर्फ एक सिंगल क्या है रिएक्टेंट है जो कि दो या दो से अधिक क्या बना रहा है प्रोडक्ट बना रहा है ठीक है ना तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का डी कम्पोजिशन रिएक्शन होगा ठीक है इसमें एक ही रिएक्टेंट क्या करेगा दो या दो से अधिक क्या बनाएगा प्रोडक्ट बनाता हो दैट इज कॉल्ड अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन ठीक है तो इसका आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा ठीक है इसी पर बेस्ट सेकेंड क्वेश्चन देखिए वॉट डज द रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विथ लाइम वाटर फॉर्म ठीक है तो रिएक्शन देखिए ठीक है रिएक्शन क्या होगा हम लोग का ये आपका है कैल्शियम ऑक्साइड ठीक है इसको हम कराएंगे रिएक्शन के साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड साथ में ठीक है ना तो क्या बनाएगा यह बनाएगा हम लोग का सी एस सी ओ थ्री ठीक है ये बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस एच टू बाहर निकलेगा ठीक है एच टू क्या होगा बाहर निकलेगा तो क्या बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट ठीक है ना तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का कैल्शियम कार्बोनेट ऑप्शन नंबर आपका ए सही जाएगा ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ठीक है देखो इन ए केमिस्ट्री लैब और स्टूडेंट मिक्सेस मैग्नीशियम रिबन यानी एम जी विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी एस सी एल द रिएक्शन प्रोड्यूसेज हाइड्रोजन गैस ठीक है एंड मैग्नीशियम क्लोराइड एम जी सी एल टू ठीक है तो इसका रिएक्शन देखिए ठीक है मेरे पास क्या था एम जी ठीक है इसको कराएंगे रिएक्शन के साथ में एस सी एल साथ में ठीक है ना तो क्या बनाएगा ये बनाएगा हम लोग का एम जी सी एल टू ठीक है प्लस यहाँ से हम लोग का हाइड्रोजन गैस क्या होगा बाहर निकलेगा ठीक है एस टू गैस बाहर निकलेगा तो आप यहाँ पर देखो ठीक है ये जो एम है ठीक है ना ये जो एम है किसकी तुलना में ये एच की तुलना में ठीक है ये एच की तुलना में क्या है ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है ठीक है तो यहाँ पर क्या करेगा इस H को ये क्या करेगा डिस्प्लेस कर देगा ठीक है इस हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस करेगा और इसके जगह पे ये आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर हो क्या रहा है यहाँ पर हो रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ठीक है तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है ठीक है ना और इसी पर बेस्ट सेकेंड क्वेश्चन देखिए ठीक है वॉट इज़ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन ठीक है तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन बनेगा डी तो होगा नहीं ठीक है ऑप्शन सी भी नहीं होगा ठीक है और यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका बी ठीक है तो यहाँ पर ये यह, ऑप्शन तो है ठीक है बिल्कुल सही जा रहा है लेकिन यहाँ पर क्या है ये बैलेंस नहीं है ठीक है ना बैलेंस क्यों नहीं है देखो यहाँ पर आपका क्लोरीन कितना है यहाँ दो है यहाँ पर सिर्फ क्या है एक ही है ना तो ये आपका बैलेंस नहीं बन रहा है इसके आगे देखिए आप ऑप्शन नंबर ए ठीक है ये आपका बिल्कुल बैलेंस है एम जी टू एच सी एल ठीक है एम जी सी एल टू और एच टू ठीक है देखो कैसे चेक करेंगे नहीं देखो यहाँ पर आपका दो हाइड्रोजन है यहाँ दो हाइड्रोजन ठीक है यहाँ पर आपका दो सी एल है ठीक है यहाँ दो सी एल है यहाँ भी आपका दो सी एल ठीक है एक आपका एम जी है एक आपका एम जी ठीक है तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा ना कि ऑप्शन बी ठीक है चूंकि ऑप्शन बी में आपका क्या है बैलेंस नहीं है ना उसके बाद देखिए नेक्स्ट केस बेस्ट क्वेश्चन फाइव ठीक है जो कि बेस्ट है आपका है एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन पे ठीक है क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट वेन पोटेशियम परमाइनेट ठीक है के एमेनोफोर इज हिटेड सुग्रम करते हैं इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म पोटेशियम मैग्नेट ठीक है के टू एमेनोफोर पोटेशियम ऑक्साइड के टू ओ ठीक है एंड ऑक्सीजन गैस ठीक है द रिएक्शन इज हैली एक्सोथर्मिक एंड रिलीज अ लॉट ऑफ हिट तो यहां क्वेश्चन पूछा गया है वट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस ठीक है ये किस टाइप का रिएक्शन है तो आप यहाँ पर चेक करो ठीक है यहाँ पर चेक करोगे देखो हो क्या रहा है यहाँ पर सिर्फ आपको यहाँ पर रिएटर्न देखा जाए तो क्या है के एम एन ओ फोर ठीक है इसको आप गर्म कर रहे हो ना ये आप गर्म कर रहे हैं तो जाके ये ब्रेक हो रहा है किस पे इस पर ब्रेक हो रहा है इस पे और इस पर ब्रेक ठीक है तो ये कहलाए ये कौन सा कहलाएगा आपका डी कम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा ठीक है ना तो ये आपका होगा आंसर क्या ऑप्शन बी आपका जाएगा डी कम्पोजिशन रिएक्शन ठीक है और इसी पर बेस्ट सेकेंड क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द करेक्ट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन ठीक है पहली बात यहाँ ऑप्शन आपका ए तो होगा नहीं ठीक है ऑप्शन आपका डी भी नहीं जाएगा ठीक है ऑप्शन आपका सी भी कट जाएगा बचा क्या ऑप्शन बी ठीक है तो ये आपका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी ठीक है उसके बाद देखिए नेक्स्ट केस क्वेश्चन ठीक के 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 है उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है व्हाइट डज द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विश द बर्निंग कैंडल ठीक है तो इसका आंसर क्या होगा बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज अ नॉन फ्लेमेबल गैस ठीक है उसके बाद देखिए नेक्स्ट गैस्ट बेस्ट क्वेश्चन ठीक है जो कि आपका बेस्ट होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन पे ठीक है क्वेश्चन देखिएगा इन ए लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट ठीक है अ स्टूडेंट बर्न सल्फर इन ऑक्सीजन ठीक है द स्टूडेंट ऑब्जर्व्स द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विच इज अ कलरलेस गैस ठीक है विथ अ जेंट ऑर्डर ठीक है प्यूंजेंट ऑर्डर दिस रिएक्शन प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट ठीक है इस पर बेस्ट क्वेश्चन देखिएगा व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस ठीक है ये सल्फर आपका है ये आपको ओ टू ठीक है क्या बनाएगा एस ओ टू बना रहा है ठीक है ना तो ये आपका क्या कहलाएगा ये कहलाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन ठीक है दिस इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसी का सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा वट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ सल्फर इन ऑक्सीजन ठीक है बहुत सिंपल है इसका बनेगा एस और ओ टू क्या बनेगा एस ओ टू ठीक है दोस्तों आपको इस चैनल पर ठीक है हर प्रकार की वीडियो मिलेगी ठीक है जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा ठीक है ना तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा ताकि आपको इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे ठीक है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद जय हिंद